स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। देश के छिंदवाड़ा जिले के विकास खंड हर्रई के अंतर्गत आने वाले ग्राम बटका खापा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पारंपरिक ढंग से ऋषि पंचमी पटा समिति और ग्रामवासियों के सामूहिक रूप से एकत्रित होकर खेड़ापति दुर्गा अवतार मंदिर में विराजमान मां भगवती, भगवान शिव, भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर ढोल बाजे के साथ नागदेव महाराज के जयकारे लगाते हुए बामी में प्रतीकात्मक रूप से नागदेव महाराज को दूध पिलाया गया, जिसमें ग्राम और बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से शैला गीत गाकर नृत्य किया गया। नागदेव महाराज को दूध पिलाते समय पटा समिति के शिष्यों को लहर मारी गई, जिसे नागदेव का भार माना जाता है। फिर समिति के शिष्यों के द्वारा लहर वाले व्यक्ति के कानों में भगवान शिव के द्वारा रचित शाबर मंत्र पढ़कर उनके भार को उतारा जाता है, जिनका उल्लेख रामचरितमानस के बालकांड में भी मिलता है। तत्पश्चात पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी चेलों के द्वारा सपार कर आकृति बनाकर प्रथम शिष्य के हाथ में सौंपा जाता है, जिसे नागदेव का फन कहा जाता है, और अंतिम छोर के शिष्य के हाथ में झाड़ू होती है, जो नागदेव की पूछ मानी जाती है। फिर फन के द्वारा पंक्ति में लगे शिष्यों के ऊपर प्रहार कर उन्हें मूर्छित किया जाता है। फिर शेष शिष्यों के द्वारा उन्हें उठाकर मंत्र पढ़कर उन्हें सचेत किया जाता है। पूंछ हर समय फन के प्रहार से बचने के लिए रक्षात्मक ढंग से बचाई जाती है। कार्यक्रम के अंत में मंदिर में प्रवेश कर बाहर आकर कार्यक्रम का समापन पूजा कर किया जाता है। इस अवसर पर ग्राम के बुजुर्ग, माताओं, बहनों, युवा साथियों, बच्चों सहित क्षेत्रवासियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर ग्राम के सभी धार्मिक संगठनों ने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया जाता तथा उपस्थित जन समूह को प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही अन्य कार्यक्रम भी देर तक चलते रहे। उल्लेखनीय है, ऐसे कार्यक्रम छिंदवाड़ा जिले में अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। Oh,
आज के पर्व? आज ऋषि पंचमी महोत्सव है और बटका खावा में प्रति वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नांग सेला होते हैं और पूरे चेला आज इकट्ठे होते हैं और आस्तु का पटा यहाँ पटा भरा जाता है ना, और दूध पिलाने से इकट्ठे होकर जाते हैं। और जो साल भर में जो नांग के केस होते हैं सांप के, वो बंद छूटते हैं। नाम आपका? लक्ष्मण प्रसाद साहब। ग्राम? ग्राम बटका। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।